स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं D9 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए ऑर्गल डायग्राम। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से ऑर्गल डायग्राम बना सकते हैं और उसके मेन पॉइंट्स। D9 के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं D9 के अंदर, यदि सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, जब मेटल आयन अकेला होता है तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट होते हैं, और जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, यदि लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हैं, तो इन डी ऑर्बिटल्स का T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाती है। और यदि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो कॉन्फिगेशन होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कॉन्फिगेशन होगा T2G6 EG3। यदि एक इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा T2G से EG में, जिसे हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। और इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो कॉन्फिगेशन होगा मेटल आयन का, वो होगा T2G5 EG4। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक होल है EG ऑर्बिटल में, तो होल का ट्रांजिशन जो होगा EG से T2G में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाएगा तो होल यहाँ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है T2G से EG, या होल का ट्रांजिशन है EG से T2G। यदि हम होल मानते हैं तो ये जस्ट उसका रिवर्स है D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का। तो जो यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, और जो ट्रांजिशन हम ले रहे हैं वो स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर ही हम ले रहे हैं, जिनमें सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 EG3। जब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, जो T2G ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, EG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसी भी DX²Y² में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या DZ² में 2। इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हैं। इसी तरह एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G5 EG4 है, तो यहाँ पर EG ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, जो ऑर्बिटल उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर 3 तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एक्साइटेड स्टेट है वो ट्रिपली डीजेनरेट है, 3 तरह से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और अब हम सबसे पहले निकालेंगे D9 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म। हमने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल दी है, ML वे हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं इस तरह से, और जब टोटल सब हम L वैल्यूज़ का, ML वैल्यूज़ का हर इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कैप L जो आएगा वो 2 हो जाएगा। S इसके अंदर जो स्पिन, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो गया, इसका 0, और लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो हाफ होगा, और उससे हम MS वैल्यू निकालेंगे, 2 आ जाएगी, टर्म आ जाएगी हमारी DD। अब DD की स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है DT2G और DE के अंदर, ये हैं मुलिकन सिंबल्स। अब हमें ऑर्गल डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल है। हम इस एक्सिस पर लेंगे, हम ऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लेंगे टर्म की एनर्जी DD की, और नीचे की तरफ हम लेंगे, इस एक्सिस पर हम लेंगे जो है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ डेल्टा के, उसमें DD टर्म दो में स्प्लिट होनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों स्टेट्स में लो एनर्जी की स्टेट कौन सी होगी, और जब हमने पीछे देखा कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको हम टर्म को हम जो हैं एक ही तरीके से हम जो हम उसको जो टर्म आई थी हमारे ग्राउंड स्टेट में, हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, हम उसे दो तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वो DD है, इसका मतलब जो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी DE, और एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगी DT2G, और जो DE है वो किसके समान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG3 के समान है, और जो एक्साइटेड स्टेट में जो DT2G टर्म है वो किसके समान है, T2G5 EG4 के समान है। तो हमारे पास ये जो डायग्राम आ रहा है, हमारे पास D1 का
इन्वर्स डायग्राम है या उल्टा है, जिसमें टर्म्स जो हैं रिवर्स हो गई। नेक्स्ट डायग्राम हम ले रहे हैं टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए, D1 टेट्राहेड्रल के लिए। उसी तरह डी ऑर्बिटर्स का लिगेंड फील्ड के अंदर जब टेट्राहेड्रल फील्ड है तो उसका विभाजन होता है T2 और E के अंदर, और इस कंडीशन में E ऑर्बिटल की एनर्जी जो है E की एनर्जी T2 से कम होती है। हम यहाँ पर G जो नीचे की हम लिखते हैं जी T2 लिखते हैं, हम यहाँ G नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फिगेशन हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है E के अंदर भरेगा, तो कॉन्फिगेशन हो गया E1 T2 0। एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन T2 में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिगेशन हो जाएगा E0 T2 1, और कोई इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगेशन को हम E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, E ऑर्बिटल दो होते हैं dx²y² dz², किसी एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम इसके लिए दो तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिख सकते हैं। इसी तरह हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगेशन को हम तीन तरह से ले सकते हैं, क्योंकि T2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक T2 ऑर्बिटल के अंदर रह सकता है। तो ये इसकी जो है तीन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है। और जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? E से T2 के अंदर, जो DD ट्रांजिशन है। इसका मतलब यहाँ पर एक बैंड हमें दिखेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम में एक ही बैंड दिखेगा। अब हमने D1 के लिए अगेन ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल दी, ग्राउंड स्टेट टर्म डबलेट D ही आएगी, वो डबलेट T2 और डबलेट E में होगी स्प्लिट। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से स्टेट में से कौन सी लोअर एनर्जी स्टेट होगी। अब जब ग्राउंड हमने अगेन ये डबलेट D की एनर्जी एक्सिस पर ली है, यहाँ हम ले गए लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, डबलेट डी टर्म दो में स्प्लिट होगी। अब ग्राउंड स्टेट की लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? अब हमने लास्ट उसमें हमने इससे नेक्स्ट अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की दो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की, और एक्साइटेड स्टेट की तीन पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट जो होगी वो डबली डी जनरेट होगी, तो ये हो गई डबलेट ई और डबलेट टू। तो ग्राउंड स्टेट के लिए कॉन्फिगेशन के समान है ये इसकी एक्साइट जो डबलेट T2 है वो E0 T21 के समान है। तो ये जो डायग्राम होगा हमारे पास, ये D1 टेट्राहेड्रल के लिए डायग्राम है, और ये डायग्राम जो है D9 ऑक्टेहेड्रल की तरह। अब हमने D9 टेट्राहेड्रल, अगेन डी इलेक्ट्रॉन डीजनरेट हैं, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगेशन है अपना E4 T2G5, यहाँ पर एक कूलम मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगा? E3 T2 6। अब हम यहाँ ट्रांजिशन ये भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है E से T2 के अंदर, लेकिन ये होल जो है होल का ट्रांजिशन है T2 से E के अंदर। तो सेम उसी तरह से जैसे ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगेशन ये है, हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन को है हम तीन तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि T2 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो ऑर्बिटल में होंगे, दो एक के अंदर होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये तीन अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट निकाल रहे हैं हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बता रहे हैं, जिससे कि आप आगे जब ऑर्गल डायग्राम बनाएं तो हम बता आप देख सकें कि हमें जो ऑर्गल डायग्राम में जो अपनी टर्म आ रही है वो स्प्लिट होकर हो रही है, तो उसकी ग्राउंड टर्म कौन सी होगी। अगेन हमने निकाला डबलेट डी टर्म आएगी, आप निकाल के देखिएगा, हमने पहले बता दिया था डबलेट डी टर्म अगेन डबलेट T2 और डबलेट E में होगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती, जब टर्म स्प्लिट होती है तो मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती, मल्टीप्लिसिटी वही रहती है। अब हमने इस एक्सिस पर हमने अगेन डबलेट डी टर्म ले ली की एनर्जी, यहाँ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए अगेन हम T2 नीचे लिखे हैं लो एनर्जी में या E लिखे हैं, तो हमने देखा था कि जो D9 के अंदर हम जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसकी तीन पॉसिबिलिटी देखी हम, उसको तीन तरह से हम
कॉन्फिगेशन लिख सकते हैं। मतलब जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो टिप्पी डिजनरेट होनी चाहिए और एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए डबली डिजनरेट। तो टर्म ये हो गई, ग्राउंड स्टेट होगी आपकी, टर्म जो होगी टिप्पी डिजनरेट और एक्साइटेड स्टेट होगी डबली डिजनरेट। तो ये हो गया आपका D9 ऑक्टेट्राहेड्रल के लिए डायग्राम। हाँ, जो जिस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है उसी तरह से टर्म्स की स्प्लिटिंग है, उनकी एनर्जी भी उसी तरह से कम होती है जैसे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है। अब इसको अब कंपेयर हम कर लेते हैं सारे डायग्राम्स को। हमने 4 डायग्राम्स ले चुके हैं। हम देखिए, ये हमने एनर्जी ले ली टर्म की, ये हमने ले ली लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। हमने चारों डायग्राम एक साथ हम शो कर रहे हैं, कंबाइंड डायग्राम बना रहे हैं हम, एनर्जी लेवल डायग्राम और D1 एंड D9। हम सिर्फ यही डायग्राम यहीं तक हम कर रहे हैं। ये इस डायग्राम के अंदर हम ये D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम है, स्प्लिटिंग होती है T2G और EG के अंदर। तो D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम है, D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या था, EG की एनर्जी T2G से कम होगी। तो EG ग्राउंड स्टेट थी और T2G जो है हाई एनर्जी स्टेट थी। टेट्राहेड्रल के अंदर जो D1 का टेट्राहेड्रल है, D1 का ऑक्टाहेड्रल है, D1 टेट्राहेड्रल के लिए उसका रिवर्स डायग्राम है। तो ये D1 टेट्राहेड्रल, D9 ऑक्टाहेड्रल, और ये डायग्राम होगा आपका D1 ऑक्टाहेड्रल एंड D9 टेट्राहेड्रल के डायग्राम। हम आपको सिर्फ यहाँ पर D1 और D9 के लिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए ही देखना है। तो ये D1 ऑक्टाहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल के लिए डायग्राम है। ये डायग्राम है D1 टेट्राहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम। आपको D4 और D6 के लिए डायग्राम नहीं करना है। जी को हमने हटा रखा है टेट्राहेड्रल के, आपको उसमें जी जो टर्म्स के नीचे हम जी लिख रहे हैं वो आपको नहीं लिखनी है। जो जी टर्म है टेट्राहेड्रल में आपको नहीं लिखनी है, उनको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में लिखना है। और ये आपको सिर्फ डायग्राम D1 और D9 के लिए हैं। हमने चारों डायग्राम देखे थे, हम इनको कंपेयर कर लिया है। यहाँ पर आपको D4 और D6 के डायग्राम नहीं करना है। थैंक यू।